वाइट और ब्लैक दाग वाली और बॉडी भी प्रेजेंट है। देखिए कि एक तो बड़ी एक दुखद जो अभी घटना देखने को मिली है हमारे कठुआ के अंदर। तो ये हमारा डिग्री कॉलेज है, तो उसके यहाँ साथ में एक पार्क है, तो उस पार्क के अंदर एक नवजात शिशु की जो हत्या कर कर जो किसी कई लोगों के द्वारा जो फेंक दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना सामने आई है, तो बड़ा ही एक दुखद घटना है। ऐसी घटना एक दो बार पहले भी हमारे शहर में देखने को मिली है, पर ये अभी ऐसी घटना जो अभी देखने को मिली है, और कॉलेज परिसर के अंदर किसी ने आकर जो उसका शव है नवजात शिशु का एक पॉलीथीन के अंदर बंद करके जो फेंक दिया, और उसके बाद जो स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा उसको कहीं ना कहीं खाया जा रहा था। तो यहाँ पर कॉलेज में जब स्टूडेंट्स के द्वारा देखा गया, तो वो एक जब ये चीज़ सामने आई है, तो कहीं ना कहीं देखकर भी हमें बड़ा दुख हुआ कि ऐसी जो घटना है वो हमारे शहर में जब होती है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारी सरकार ने इसको बैन किया और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के जो कानून बनाए गए हैं जो लोग ऐसी घटना करते हैं। अब ये भी बीच में सामने ये ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो उसका शव जो वो कोई ऐसे स्त्रीलिंग का था जो पुल्लिंग का था, कहीं ना कहीं एक लोगों की आज भी कहीं ना कहीं जब सामने आती हैं तो बड़ा ही एक दुखद जो ऐसे माहौल जो हमारे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर भी जो बना था, तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल पुलिस पहुंची और कॉलेज की जो प्रशासन था कॉलेज प्रशासन ने भी साथ होकर जो पूरा जो वो उसको उसकी पूरी कार्रवाई की, उसको पूरा उठाकर और पुलिस अभी लेके गई, और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इसकी प्रॉपर जाँच होगी, और जो लोग इसकी पूरी DNA जाँच करके जो लोग इसके पीछे पाए जाएंगे दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हमने ये भी आग्रह किया पुलिस से कि 302 की धारा, क्योंकि एक ये मर्डर है, ब्रूटल मर्डर है, और 302 की धारा लगाकर उस बंदे को या जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको अंदर किया जाए। तो मैं आखिर में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर हमारे SSP कठुआ से SHO कठुआ से मैं ये आग्रह करता हूँ, मैं इनसे ये विनती करता हूँ कि ये जो घटना हुई है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन लोगों को दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, और आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना करने से पहले 100 बार सोचे, और ऐसी जब घटना कोई करने का किसी के माइंड में भी आए, जब उसको पता चले कि इसके पीछे ऐसी सजा हुई है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाए। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस बच्चे को इंसाफ दिलाए, और जो जिन लोगों ने किया उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। धन्यवाद। जय हिंद। जागरूकता की कमी हो सकती है इसमें, जागरूकता देखिए इसमें जागरूकता की कमी ना कहीं तो है ही है, क्योंकि जब आज की डेट में जो हमारी
महिलाएं हैं जो हमारी बहनें हैं वो हर एक फील्ड में सबसे आगे चलकर, हमारी शीतल शर्मा जो एक आर्मलेस आर्चरर हैं, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर का डंका बजाया। ऐसे ही हमारी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया। तो कहीं ना कहीं एक जो अवेयरनेस कम्पेन है इसके ऊपर हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को भी आगे आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे आना चाहिए और अवेयरनेस कम्पेन चलानी चाहिए ताकि लोग अवेयर हों और ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिले। नाक मामला है और इंसानियत की शर्मशार नहीं आख सकते, इंसानियत की अज मारी खीता और बेटी जिसलै अस शब की चुकिया सानू नहीं पता बेटी है कि बेटा है, लेकिन जिसलै हॉस्पिटल गए अस उत्थे जाइए सानू पता लगा कि वह बेटी है और बेटी दा अस मतलब मर्डर आखी सकने, उस बेटी का जो मर्डर होया जिस बच्ची ने आया दुनिया दिखनी ही और शायद इो आख देनी कि मां मी नहीं मार, मैं वो अपने प्यो भी शायद इो आख देनी कि पिता मी नहीं मार, मेरे कन्नै संसार चलना। और बड़े शर्मशार आवाजे कन्नै सानू अज आखना पवा है कि बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ का नारा चले दा, इन्नी 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 मतलब स्कीम चला दी ने लेकिन फिर भी तुम बेटियों की मारी जा दो, ऐसे लोगों कड़ी सज़ा दी जा और शरेआम चौंक के उपर खलैरी है इये जी माता इये जे मतलब पिते की जिन्हें यह एपीसोड किया है इन्ना मतलब शर्मनाक सीन किया है उन्हें गोली मारी दी जा। अस प्रशासन अगे हाथ जोड़ी अपील करने इन लोगों की कदम नहीं बख्शा जा और बेटी के उपर जोड़ा अच्छ एपीसोड हो बड़ा दर्दनाक हो और कुत्ते मामले दिखे जा तलाशे जा लोकें ही और तलाश की जानी चाहिए, बिल्कुल तलाशी की जानी है और मी लगता हॉस्पिटल लागे हैं हॉस्पिटल का सारी डिटेल निकली जानी है, आज कितनी डिलीवरी हुई मतलब कुत्थों कुत्थों डिलीवरी हुई सारा पता लगी जाना है। और एक माँ के उपर भी एक बड़ा वाला मतलब दाग है क्योंकि माँ रब वर्गी होंगी और माँ ही अस रब मानने, ऐसी मामे उपर भी कार्रवाई की जा अगर बेटी है और साड़ी जी अपनी परसनल सोच आती है कि वह बेटी है वह इो कसूर है कि वह बेटी है, अगर वह बेटी नहीं होंगी बेटा होंगे तो शायद वो माँ भी इं नहीं करती।